दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी ऑफिशियल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीईटी के बारे में। देखिए, यूपी टीईटी के बारे में आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास। कुछ लोग एज को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, ये एज क्या रहेगी इसके लिए, तो ये यहाँ पर मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। क्या एज इसके लिए रहेगी, किन कैटेगरीज़ के लिए क्या एज रहेगी। दोस्तों इसके लिए पूरी लिंक्स मैंने वेबसाइट पर आपको अवेलेबल करा दी हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पर वेबसाइट पर चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर वेबसाइट पर आपको पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी यूपी टेट के बारे में। तो देखिए, एमपी के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। भर्ती के लिए अलग से प्रोसेस होती है, तो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसके लिए आप जो है बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी टीईटी पंजीकरण प्रारंभ, कौन कौन कर सकता है आवेदन। यहाँ पर हम इस पोस्ट को देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह होना होता है आपका, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको यूपी डीएलएड की वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा 601 पेपर के लिए है ना, और 400 जो है 600 सामान्य ओबीसी के लिए, 400 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, और 100 विकलांग उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर आपका फीस रहेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखिए, आपकी आयु सीमा के बारे में मैं आपको बता दूँ। आयु सीमा के बारे में बहुत लोग कन्फ्यूज थे, तो इसके लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनरल के लिए आपके लिए 35 मैक्सिमम है, मिनिमम 18 है, और SC ST OBC PWD वगैरह के लिए यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो देखिए, OBC के लिए 38, SC ST के लिए 40, PWD के लिए 45। आवेदन शुल्क एक पेपर के लिए 600 रहेगा, दोनों पेपर के लिए 1200 रहेगा, ठीक है। न्यूनतम योग्यता BEd कम्प्लीट या लास्ट ईयर रनिंग होना चाहिए, DEd, DLED, BA, BEd, BLED वगैरह, और जो भी BEd एजुकेशन रिलेटेड कोर्स होते हैं, अगर रनिंग चल रहे हैं, लास्ट ईयर चल रहा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट है तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये सब आपकी लिंक अलग अवेलेबल हैं, इन पर जाके आप सीधे सीधे जो आवेदन कर सकते हैं। इससे ऑनलाइन आवेदन करना है तो आपके यहाँ पर आप सत्यापन कर सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं वेबसाइट पर। तो ये देखिए, UPTET की वेबसाइट है, यहाँ से आप पूरा का पूरा जो है दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के निवासी आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के निवासी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर आप अपना स्कोर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी MPTET की तैयारी की तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा ही यहाँ पर रहने वाला है। तो इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।